हेलो फ्रेंड्स दिस इज तरुण कपूर वेलकम बैक टू एजो इम्प्रिंट्स तो हम स्टार्ट करेंगे आज हमारे फेब्ररी सेकेंड वीक के 2020 के करंट अफेयर्स को सो हम मुझे लगता है कि आपको हमारी मेरी पहली जो वीडियो है वो भी पसंद आई होगी सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोस टू योर फ्रेंड्स स्पेशली द करंट अफेयर सीरीज दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू बेसिकली कवरिंग द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड द लो एंटरस करंट अफेयर्स सो लेट्स बिगिन द फर्स्ट पार्ट इज अवार्ड्स सो ए दैरासाइट एक मूवी है जो फर्स्ट नॉन इंग्लिश एंड साउथ कोरियन फिल्म है जिसको ऑस्कर अवार्ड टू थाउजेंड ट्वेंटी मिला है इन द बेस्ट पिक्चर कैटेगरी दिस फिल्म इज डायरेक्टेड बाय बोन जॉन हु द सेकेंड जैकविन फॉनिक्स जो है उन्होंने ऑस्कर जीता है फॉर द बेस्ट एक्टर फिल्म जॉकर बड़ी ही पॉपुलर फिल्म है देन रेनी जेल विंगर ने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है फॉर द फिल्म जूडी एंड द इंडियन बैडमिंटन कोच पुले गोपीचंद हैज़ रिसीव्ड आई ओ सी कोचिज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन्हें मिला है फॉर हिज एक्सेलेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ कोचिंग देन लालरे सैमी हैज़ बीन सिलेक्टेड एज ऐफ आई एच टू थाउजेंड नाइनटीन द विमेन राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर देन आई एन एस शिवाजी है जिनको प्रेसिडेंट कलर को से बेसिकली प्रेजेंट किया गया है बाय द प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ऑन फेब्ररी थर्टीन द प्रेसिडेंट कलर बेसिकली हाइएस्ट ऑनर दिया जाता है टू एनी मिलिट्री यूनिट सो डू रिमेंबर दिस सो so, हम स्टार्ट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज इनिशिएटिव और नेशनल न्यूज़ को द फर्स्ट इज द टॉप परफॉर्मिंग वाराणसी है जिसको अमृतसर सिटी के साथ कंपैरिजन किया गया बेसिकली पेयर पेयर किया गया अंडर द बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड द अर्बन अफेयर्स इन द सिस्टर सिटी प्रोग्राम बेसिकली ये कंपैरिजन इसलिए किया गया है ताकि जो पुअर परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं वो अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करें देन द फर्स्ट एव जेरूशलम बॉम्बे जो फेस्टिवल है वो मुंबई के अंदर हुआ है टू प्रमोट द आर्टिस्टिक एंड द कल्चरल टाइस बिटवीन इंडिया एंड इसराइल डूर इंपॉर्टेंट ऐसे ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जेरोसलम बॉम्बे फेस्टिवल किस कंट्री के साथ हुआ है इसराइल के साथ हुआ है देन सेंट्रल गवर्नमेंट ने नए ए रुपए के नोट का बेसिकली इंट्रोडक्शन करा है मार्केट के अंदर विद न्यू सिक्योरिटी फीचर्स ठीक है जिसको कौन सिग्नेचर करेगा दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अटानू चक्रवर्ती दिस इज ही इज़ अ फाइनेंस सेक्रेटरी और ये बात फैक्ट याद रखिए कि जो एक रुपये का नोट होता है उसके ऊपर हमेशा फाइनेंस सेक्रेटरी ही सिग्नेचर करता है नेक्स्ट इज़ इंडियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है उन्होंने अनाउंस करा है कि जो प्रवासी भारतीय केंद्र है उनका नाम बदलकर अब सुषमा स्वराज भवन रखा गया है ताकि जो हमारी इन वेल्यूबल जो हमारी सर्विस दी है सुषमा स्वराज जी ने जो हमारी फॉर्मर एक्सटर्नल मिनिस्टर रह चुकी हैं ठीक है थीके? तो लेट वो लीडर है उनकी इन वैल्यूबल सर्विस को कमेमोरेट करने के लिए देन हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उन्होंने इनोग्रेट करा है पंछा लोया स्टैचू ऑफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय इन वाराणसी द नेक्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स जो है उन्होंने ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स को बेसिकली दो इंडिकेटर्स के ऊपर असेस करा है टू असेस द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ सिटीजन इन हंड्रेड स्मार्ट सिटीज एंड फर्स्ट टाइम जो हॉनबिल फेस्टिवल है वो त्रिपुरा के अंदर सेलिब्रेट किया गया है नॉर्मली इसे नागा जो नागालैंड है उधर सेलिब्रेट करा जाता है टू कंजर्व द बर्ड्स ठीक है कि बर्ड कंजर्वेशन के लिए दैन हमारी थर्टीन सी ओ पी जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज ऑफ कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स जो है वो गांधी नगर गुजरात के अंदर होस्ट हुई है ये एक इन्वायरमेंटल ट्रिटी है दैट इज़ सपोर्टेड बाई यू एन ई पी दैट इज़ यूनाइटेड नेशन एन्वायमेंटल प्रोग्राम एंड ग्रेट इंडियन बर्स्ट जो है उसके लिए ऑफिशियल मैस्कट के रूप में चुने गए हैं एंड जो थीम है दैट इज माइग्रेटरी स्पीसीज कनेक्ट द प्लान वी वेलकम दैम होम नेक्स्ट इज बीमस्टैक दैट इज बे ऑफ बेंगोल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन जिनकी कॉन्फ्रेंस हुई है ऑन कंबैक्टिंग ट्रग ट्रैफिकिंग न्यू डेली के अंदर इंडिया में हुई है वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज द सेकेंड इज सेकेंड बीमस्टैक की डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज हुई है जो कि भुवनेश्वर पुरी उड़ीसा में हुई है एंड दैट वॉज इनागरेटेड बाय जो चीफ मिनिस्टर हैं उड़ीसा के श्री रवीन, नवीन नवीन पटनायक एंड ऑर्गेनाइज किस ने करी है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स ने करी है एन डी आर एफ की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है सो so, और जो थीम है इसकी दैट इज़ कल्चरल हेरिटेज साइट दैट सफर्स सेवर डैमेज इन द अर्थक्वैक एंड फ्लडिंग और स्ट्रॉन्ग उसके बाद इलेवेंथ एडिशन ऑफ पाइनियल मेगा डिफेंस एग्जीबिशन डिफ डेफ एक्सपो वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो हमारी कहाँ पर हुई है लखनऊ में हुई है जो फिफ्थ एडिशन है हमारा जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज एजिया वॉरियर 2020 ट्वेंटी अब आपसे इसमें यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये किस कंट्री के साथ हुई है यूके के साथ हुई है अब हम स्पोर्ट्स न्यूज़ को देखते हैं जो इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन हैं मनप्रीत सिंह उनको बेसिकली क्या दिया गया एफ आई एच मेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर टू थाउजेंड नाइनटीन जिन्होंने किसको हराया है अधर वैन को और अर्जेंटीना के अ, लुकास विला को तो आम उसके बाद जो गुलमर्ग हमारा जो हिल स्टेशन है जम्मू एंड कश्मीर वो होस्ट कर रहा है नेशनल विंटर गेम्स अंडर खेलो इंडिया गेम्स सो फाइव डेज गेम है होंगे जिसमें ब्रॉड फाइव तरह की कैटेगरीज होंगी स्नो ये कैटेगरीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है देन हमारा आ जाता है वर्ल्ड बेस्ट क्रिकेट जो बिगेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है सबसे पूरे विश्व का सबसे बड़ा वो मोटेरिया जो गुजरात के अंदर इस्टेब्लिश किया गया जिसके लिए जिसके इनोग्रेशन के लिए ट्रंप भी आए थे सो so, सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम ओके सो दिस इज़ द लार्जेस्ट स्टेडियम टिल डेट जो हमारा पहले मेलबर्न था मगर अब हमारा मोटेरिया हो गया है देन अमित जो पंगाल हैं इंडियन बॉक्सर हैं वो हमारे रैंक वन आए हैं बाय आई ओ सीज बॉक्सिंग टास्क फोर्स रैंकिंग फॉर ओलंपिक क्वालिफायर्स देन हमारा नेक्स्ट आ जाता है जो अमेरिकन टेनिस प्लेयर है हु हैज़ बीन बैंड कि एक जो हमारे एबी गेल्स हैं इनको बाईस मंथ के लिए बैन कर दिया गया है फॉर डॉपिंग बाय द इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन देन थर्टीनथ एडिशन हुआ है आईसीसी अंडर नाइनटीन क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता है हमारा बांग्लादेश ने जीता है देन नेक्स्ट इज़ आई सी सी इज़ विमेंस ट्रॉफी टू थाउजेंड ट्वेंटी इज वन बाई ऑस्ट्रेलिया देन हमारे नेक्स्ट न्यूज़ आ जाती है जो मेंस टाइटल इन इंडियन नेशनल बिलाज एंड स्नूकर्स चैम्पियनशिप 2020 जो आदित्य मेहता और इसमें विमेंस में विद्या विश्वनाथन देन हमारे जो क्रिकेटर्स हैं जिसने अभी तक टॉप पोजीशन इन द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल मैं टेस्ट टेस्ट रैंकिंग 2020 जो रिलीज़ हुई है उसमें अभी भी विराट कोहली बने हुए हैं नेक्स्ट विल डिस्कस द इंटरनेशनल न्यूज़ ए टीम ऑफ साइंटिस्ट जो ऑस्ट्रेलिया में है बाय द इंडियन ऑरिजन जिसको कौन लीड कर रहा है साइंटिस्ट एस एस वर्सन वेरी इंपॉर्टेंट वो वैक्सीन तैयार कर रहे हैं फॉर द कोरोना वायरस और जो स्टडी है ये कौन कंडक्ट कर रहा है कॉमनवेल्थ स्टडी साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया देन वर्ल्ड डब्ल्यू एच ओ ने ऑफिशियली कोरोना वायरस को कोविड नाइन्टीन करा है बिकॉज स्टिगमा स्टिगमेटाइजेशन से रोकने के लिए देन नेक्स्ट जो हमारी न्यूज आ जाती है दैट इज़ यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज जो है उन्होंने एक लॉन्च करी है स्कीम दैट इज स्टेप विद रेफ्यूजी कंपिंग जिसमें जो इंडिविजुअल्स पार्टिसिपेट करेंगे वो चैलेंज किस तरह का चैलेंज है कि उन्होंने टू बिलियन किलोमीटर्स डिस्टेंस कवर करना है ट्वेल्व मंथ्स में देन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक रेजोल्यूशन सपोर्ट करा है जो कि सीज फायर इन लीबिया से रिलेटेड है और ये रेजोल्यूशन किसने कॉल करा था ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाय द ब्रिटेन देन नेक्स्ट न्यूज़ इज कि जो इंडियन ओरिजिन ऋषि सुनक हैं उनको न्यू फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम बाय द पीएम बोरिस जॉनसन बेसिकली चुना गया है देन यूनाइटेड किंगडम विल होस्ट द यूएन क्लाइमेट समिट कोप टू ट्वेंटी सिक्स वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज ऑफ यूके सेक्रेटरी ऑफ आलोक वर्मा जो हैं हमारे लीड करेंगे अलोक वर्मा दिस इज ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट देन नेक्स्ट इज फोर्टी थर्ड सेशन ऑफ एनुअल गवर्निंग काउंसिल जो है वो हमारी इंटरनेशनल फंड ऑफ एग्री फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हमारी रोम इटली में होगी देन द थीम इज इन्वेस्टिंग इन सस्टेनेबल फूड सिस्टम टू एंड हंगर बाई टू थाउजेंड ट्वेंटी द नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट्स राजीव बंसल जो है उनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया है द मैनेजर एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एयर इंडिया द चेयरमैन द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया चेस फेडरेशन अजय एच पार्टी पार्टिल एंड जो हमारे इसी दौरान हमारे जो अरविंद केजरीवाल है उनको चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया गया था दैट आई हैव नॉट मैंशन द नेक्स्ट सेशन सेक्शन इज डेज द फर्स्ट इज नेशनल डीवॉर्मिंग डे जो बेसिकली यूनियन गवर्नमेंट किस लिए रन कर रही है एक स्पेशल ड्राइव रन कर रही है जिसके अंदर हमें जो हमारे सिंगल डोज दी जाती है वन से नाइनटीन ईयर्स ऑफ एज ऑफ जो बच्चे होते हैं उनको अलबेंडाजॉल की दिस इज़ ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट देन वर्ल्ड पल्सिस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन टेंथ फेब्ररी अराउंड द वर्ल्ड बेसिकली टू बाय द यूनाइटेड नेशंस टू रिकोगनाइज इम्पॉर्टेंस की जो क्या इम्पॉर्टेंस है पल्सिस का प्रोटीन को देने में इम्पॉर्टेंस देन डारबिन डे जो है सेलिब्रेट करा जाता है ऑन ट्वेल्थ फेबररी

प्रतन वो आ, उनकी डेथ हो गई है देन गिरिराज किशोर पास्ट अवे ही वॉज़ फेमस हिंदू हिंदी नावलिस्ट देन नंदू आर कुलकर्णी जो है सेवेंटी ईयर ओल्ड हैं उन्हें मुंबई एक बहुत ही पॉपुलर हमारे जर्नलिस्ट रहे हैं नाउ वी विल सी द लास्ट सेक्शन दैट इज स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ जो तमिलनाडु की गवर्नमेंट है उन्होंने काफी री डेल्टा रीजन को स्पेशल एग्रीकल्चर जोन डिक्लेयर कर दिया है बेसिकली टू प्रोटेक्ट एंड चीफ मिनिस्टर्स के नाम भी आपको लर्न करने ज़रूरी हैं यू डू लर्न ऑल द चीफ मिनिस्टर्स नेम एंड द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो है उन्होंने एक डिसाइड करा है इंटर्नशिप स्कीम फॉर द कॉलेज स्टूडेंट्स ताकि बच्चों को एक उनके ब्राइटन प्रोस्पेक्ट के लिए उनको बेसिकली इंप्लॉयमेंट प्रोस्पेक्ट के लिए उनको इंटर्नशिप दी जा रही है द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस जो है रिसेंटली कंक्लूड हुई है मम्बे के अंदर हुई है टू बेसिकली फॉर प्रोमोटिंग द यूज़ ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स टू प्रोवाइड द पब्लिक द नेक्स्ट इज़ हरियाणा चीफ मिनिस्टर जो है उन्होंने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि स्कीम जो है वो हंड्रेड डेज ऑफ द कम्पलीशन ऑफ इस गवर्नमेंट लॉन्च करी है जिसमें टू थाउजेंड रुपीज़ टू पुअर फार्मर्स दिए जाएंगे थ्री इंस्टॉलमेंट्स में इन द स्कीम दन द नेक्स्ट केरला जो गवर्नमेंट है उन्होंने बैन कर दिए हैं सी एफ एल्स एंड जो हमारे फिल्मेंट uh, बल्बस होते हैं फ्राम नवम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी जो सभी के सभी रिप्लेस होंगे एल ई डी लाइट्स लगाई जाएंगी इवन इन द स्ट्रीट्स ऑल्सो देन जम्मू एंड कश्मीर एल जीज लिफ्टेंट गवर्नर जो है जी सी मुर्मू ने एक फाइनेंशियल इंक्लूजन आउटरीच कंपेन चलाई है ताकि फाइनेंशियल सर्विसेज को इंक्लूड किया जा सके एक्सटेंड किया जा सके सभी एरियाज में जहां पर बैंकिंग फैसिलिटीज़ नहीं हैं देन हमारा जो उत्तर प्रदेश की कैबिनेट है उन्होंने ग्राउंड वाटर्स एक्ट 2020 को अप्रूव करा है ताकि जो हमारा जो ग्राउंड वाटर है जो गिर रहा है उसको इम्प्रूव करने के लिए और पेनाल्टी लगाई जाएगी उन इंडिविजुअल्स पर इंस्टीट्यूशंस पे जो पॉल्यूट करेंगे ग्राउंड वाटर को दैट इज़ वेरी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लो लोनटेन्स दैन मनीपूर्ज चीफ मिनिस्टर्स एन बीरन सिंह जो है उन्होंने अंगपो हंगबा प्रोग्राम चलाया है जिसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट ने एक टू सिक्सटी करोड़ रुपीज़ का प्रोजेक्ट लगाया है टू प्रोवाइड द इरीगेशन वाटर टू द प्लेसेस जहाँ पर एडिक्वेट एरेबल लैंड है लार्ज नंबर्स ऑफ फार्मर्स हैं द लास्ट न्यूज़ इज़ द फर्स्ट यूटी जो कौन सी पहली यूनियन टेरिटरी है जिसने सी ए एन आर सी और एन पी आर के खिलाफ रेजोल्यूशन पास करा है दैट इज़ पुडुचेरी सो दीज आर द न्यूज़ ऑफ फेबररी सेकेंड वीक इफ यू लाइक माई वीडियोज़ डू लाइक कमेंट एंड शेयर माई वीडियोज़ टू योर फ्रेंड्स आई नीड योर सपोर्ट एंड थैंक यू सो मच एंड डू नॉट फर्गेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेलाइकन सो एज़ टू गेट द नोटिफिकेशन आटोमेटिकली होप टू सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन